इन क्वेश्चन नंबर 8 फिगर इज गिवन 7.33 जिसमें मेजरमेंट दिया हुआ है आर ओ क्यू, दिस इज हाउ मच 60 डिग्री। सिमिलरली एम ओ क्यू इज ऑल्सो 60 डिग्री एंड इट इज गिवन ओ आर इज 7, ओ आर इज 7 एंड ओ एम मीन्स फ्रॉम ओ टू एम इट इज हाउ मच 21। ओके, सो यू आर सपोज टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ आर्क आर एक्स क्यू एंड एम वाई एन। सो इट्स वेरी ईजी, ध्यान से सुनो। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट एवर इज गिवन दैट यू आर सपोज टू राइट आर ओ क्यू इक्वल्स टू एम ओ एन इक्वल्स टू 60 डिग्री, ओ आर इज 7, ओ एम इज 21। सो लेट अस कैलकुलेट द लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क आर एक्स क्यू। सो वी नो द फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ एन आर्क इज थीटा अपॉन 360 टू पाई आर। सो वी नो द वैल्यू ऑफ थीटा ओवर हियर 60 अपॉन 360 बाय 2 बाय पाई का वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज 22/7 एंड रेडियस। नाउ सी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट आर एक्स क्यू, इजंट इट? सो आर ओ इज योर रेडियस। नाउ बेसिक मैथ्स, 0 0 विल गेट कैंसल्ड, 7 7 विल गेट कैंसल्ड, 6 6 विल गेट कैंसल्ड, 2 हाउ मच 3। सो योर आंसर इज 22/3 इज द लेंथ ऑफ आर्क आर एक्स क्यू इन सेंटीमीटर। नाउ लेट अस सी फॉर द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज लेंथ ऑफ आर्क एम वाई एन। इट्स वॉट थीटा अपॉन 360 टू पाई आर। यू कैन यूज अनदर फॉर्मूला, दैट इज थीटा अपॉन 180 पाई आर। इट्स वन एंड द सेम थिंग, इफ यू रिड्यूस दिस टू यू विल गेट द सेम आंसर, बट वी आर गोइंग टू यूज द सेम जो हमने पहले यूज किया था। थीटा इज हाउ मच, अगेन थीटा विल रिमेन 60, देन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई इज 22/7 एंड नाउ ऑब्जर्व द रेडियस, रेडियस इज हाउ मच 21 ओवर हियर फ्रॉम ओ टू एम, इजंट इट? सो 21, क्लियर? सो 0 0 विल गेट कैंसल, 6 6, 2 हाउ मच 3 3 हाउ मच 7 एंड 7 विल गेट कैंसल, सो योर आंसर इज 22 सेंटीमीटर। सो दीज आर द टू आंसर्स।